महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सभी गारंटी देते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। कांग्रेस तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के साथ ही मैदान में उतरी हुई है और तमाम जो प्रत्याशी हैं वो महिलाएं ही ज्यादातर मैदान में उतारी हुई है कांग्रेस ने। तो ऐसे में किस पर ज्यादा विश्वास जो महिलाएं हैं वो जता पा रही है, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध की घटनाएं हैं वो लगातार सामने आती है, लेकिन बीजेपी कहती है कि 5 सालों में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो कम हुआ है पिछली सरकारों के मुकाबले। जी बताएंगे कि महिलाएं निश्चित ही सोच समझ के मतदान करें। महिलाओं का जो वोटिंग है वो साइलेंट है, क्योंकि यहाँ जो राजनीति इस समय चल रही उत्तर प्रदेश में जाति धर्म को लेकर के, तो महिलाएं जो जातिगत भी हैं वो भी अपने विकास के मुद्दे को लेकर के जो योजनाएं चलाई गई उसका लाभ 3 तलाक एवं सुरक्षा को लेकर के साइलेंट वोट कर रही हैं। हालांकि यह वोट पर परिणाम आने पर मालूम होगा, लेकिन यहाँ सकलडीहा में, हम चंदौली जनपद के सकलडीहा विधानसभा में, यहाँ वोट जो है विशेषकर राजनीतिक ध्रुवीकरण के पर चल रहा है। बिल्कुल। और इसके अलावा देखिए अश्विनी, अगर बात करें 5 साल मुफ्त राशन की, राम मंदिर की, गन्ना जिन्ना, ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं इन पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई है इन चुनावों में, पिछले कई महीनों से हम सुन रहे हैं जनता पर इनका कितना असर पड़ता है। 3 तलाक की आप बात कर रहे हैं, 3 तलाक को लेकर, क्योंकि चंदौली में अगर मुस्लिमों की हम बात करें तो काफी ज्यादा संख्या है मुसलमानों की। जी जी बताना चाहेंगे कि मुसलमानों की संख्या है और मुसलमानों ने इसके लोकसभा में मतदान करके साबित भी कर दिया महिलाओं ने, नहीं 3 तलाक उनके हक में अच्छा था। और गरीब तबके की महिलाएं जो हैं उनको निःशुल्क खाद्यान्न और खाते में पैसा, इस तरह की योजनाएं जो जा रही हैं उनके खाते में डायरेक्ट जो बेनिफिट मिल रहा है उसका निश्चित ही प्रभाव है। और लेकिन अपनी तरह से प्रत्याशी वोटरों को रिझाने का प्रयास करिए। एक बुजुर्ग मतदाता है, आप मतदान किए हैं? मतदान किए जी, अपना आप नाम बताइए। राम पूजन राय। राम पूजन जी है जी, आज आपने मतदान किया है, क्या सोच करके किया है? नए देश की जो है ना उन्नति के लिए हम किए हैं, विकास के मुद्दों के लिए, विकास के लिए। तो क्या लगता है कि महिलाओं को सुरक्षा लेकर के कौन सरकार संजीदा दिख रही है? देखिए, सरकार की बात नहीं है हमारा, जो सरकार जो है ना हमारे बढ़िया काम करे वही जो है ना कर रही है। देखिए राम पूजा राम जी, ये देश की उन्नति एवं विकास को लेकर के मतदान किए हैं, इसी तरह से लोग मतदान अपने अपने मुद्दे पर कर रहे हैं। बिल्कुल अश्विनी, देखिए आप चंदौली से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अलग अलग जो विधानसभा है वहाँ के हालात बता रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं वो बता रहे हैं। देखिए अगर 2017 की आप बात करें तो 2017 में बीजेपी के पास कोई सीएम चेहरा नहीं था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही धड़ाधड़ वोट पड़ा और हुआ ऐसा कि बीजेपी सत्ता पर काबिज हो गई। उसके बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, इस बार सीएम फेस भी है और कहीं ना कहीं 5 सालों का कार्यकाल भी है। क्या लग रहा है, योगी आदित्यनाथ से आम जनता चंदौली की खुश है या इस बार कुछ और चाहती है चंदौली की जनता? एक मिनट देखिए, मतदाता है, युवा मतदाता है और ये इन्होंने वोट दिया है, जानते हैं ये। आपने आज पहली बार वोट दिया है कि पहले नहीं? कई बार दिए हैं। अच्छा, आज आपने क्या सोच करके वोट दिया? जी मेरा हक है देने का। तो क्या सोच रही, मुद्दा क्या होगा, परिवर्तन है या विकास है? नहीं, विकास है। विकास है, विकास भी होगा परिवर्तन भी होगा। तो महिलाओं को कौन सरकार सुरक्षा दे रही है और योजनाओं का लाभ, कुछ समझ में आ रहा है कि महिलाओं के लिए कौन सी सरकार सफिशियंट हो सकती है? जिसको हम दिए हो, जो जीतेगा वही देगा हम लोग को सुविधा। देख सकते हैं कि हाँ, मतदान जो है वो गुप्त है और उसको गुप्त तरीके से किया जा रहा है और अपना भाव व्यक्त किया है गुप्त तरीके से कि जो हमारे लिए लाभकारी है हम उसके लिए मतदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल अश्विनी, इससे पहले मैंने आपसे ये पूछा था कि 2017 में क्योंकि सीएम फेस नहीं था बीजेपी के पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट पड़ा और बीजेपी सत्ता में आ गई, फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, 5 साल हो चुके हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने सुशासन दिया है, हमने माफियाओं को जेल में भेजा है, महिलाओं को सुरक्षा दी है, गरीबों तक राशन पहुंचाया है। अखिलेश यादव कहते हैं कि 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है, इन 5 सालों में अपराध बढ़ा है महिलाओं के प्रति और वैसे भी अपराध बढ़े हैं और पुलिस पर सवालिया निशान खड़े करते हैं अखिलेश यादव, तो इसका असर चंदौली में कितना दिखाई देता है? ये बताना चाहेंगे कि 2017 में भाजपा की लहर थी, निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, तो चंदौली जनपद में 4 विधानसभा सीटें हैं,
इसमें तीन पर भाजपा ने कब्जा किया था और मैं सकलडीहा विधानसभा में हूँ। यहाँ भाजपा की लहर के बावजूद भी यहाँ समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया था और यहाँ के प्रभु नारायण सिंह यादव जो है वो विधायक है। तो ये पार्टियां तो अपनी अपनी बातें कह रही हैं, भाजपा अपने विकास के मुद्दों को गिना रही है, जो योजनाएं लागू है उसको भी गिना रही है, और समाजवादी पार्टी लगातार उसका विरोध करते हुए कर रही है कि नहीं कुछ भी पांच सालों में नहीं हुआ है, अपराध बढ़ा है और लोगों को महंगाई और बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ा है। लेकिन लोग अब अपना मतदान दे रहे हैं, लेकिन दोनों पार्टियों में यहाँ रुझान देखने को मिल रहा है, दोनों पार्टियों के मतदाता उत्सुकता से मतदान कर रहे हैं और यह परिणाम आने पर ही साबित हो पाएगा कि कौन किसके पक्ष में जा रहा है और किसको कितना वोट मिला है। बिल्कुल अश्विनी, और इसके अलावा देखिए पिछले 6 चरणों में हमने देखा है कि हर एक जिले में यही चर्चा है कि सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन बसपा को कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं, क्योंकि अगर बसपा को समझने के लिए हम जाएं तो बसपा का जो कोर वोटर है वो बना हुआ है, वो कहीं जाता नहीं है। हालांकि 2017 के बाद से कुछ बदलाव हुआ है, क्योंकि लोग जो हैं वो सिर्फ जातिवाद पर ना रहकर विकास के मुद्दों को लेकर अपनी समस्याओं को लेकर मतदान कर रहे हैं, लेकिन बसपा को भूलना भी कहीं ना कहीं गलत होगा। अश्विनी जी बता दें कि 5 सालों में मायावती जी के बैक फुट पर रहने के कारण बसपा थोड़ा सा चंदौली में क्या हर जगह अगर देखा जाए तो थोड़ा सा नीचे है, लड़ाई दो जगह में दो बस खाली पक्ष विपक्ष की है। और ये कहा जाए कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद कुछ न कुछ हद तक जातिगत समीकरण को कम किया है, योजनाओं का लाभ पहुंचा करके वो वोटर साइलेंट है, बसपा के वोटर साइलेंट है, अगर लाभ पा रहे हैं तो निश्चित ही उसका परिणाम में परिवर्तन दिख सकता है। लेकिन खुले तौर पर अगर देखा जाए तो चारों विधानसभाओं में बसपा के प्रत्याशी कहीं भी फाइट में नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं यहाँ पर आसिफ का रुख करूंगी। आसिफ मऊ से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आसिफ, आप मतदाताओं से लगातार बात कर रहे हैं, उनकी समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समस्याएं भी आ रही हैं, क्योंकि कुछ जगह से तस्वीरें ऐसी आ रही हैं कि ईवीएम भी खराब हुआ है। मऊ के किसी विधानसभा से ऐसी कोई तस्वीर? जी बता दें कि मऊ से अभी तक तो कोई भी तस्वीर सामने नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन हाँ आपको बता दें कि लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है यहाँ पे जो फोर्स है वो लगातार जो है लगी हुई है, देख रही है, लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है और अंदर मोबाइल ले जाना मना है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो लोग है वो लगातार जो है अंदर अंदर जा रहे हैं, जांचें जो है देखिए पुलिस जो है लगातार जो है चेक कर रही है। आसिफ, और इसके अलावा और अभी चंदौली में हम अश्विनी हमारे सहयोगी बने हुए हैं, अश्विनी से हम बात कर रहे थे। देखिए तीन तलाक पर हम चर्चा कर रहे थे और 2017 के जो समीकरण रहे हैं उस पर हम बात कर रहे थे। अगर हम मऊ की बात करें तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर तीन तलाक का असर कितना दिखाई देता है पुरुषों में भी और महिलाओं में भी? महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि महिलाएं खुश हैं, माताएं बहनें खुश हैं तीन तलाक से, लेकिन पुरुष कहीं ना कहीं नाखुश है इस पूरे मुद्दे को लेकर। तो ऐसे में इसका असर 2017 के विधानसभा चुनाव में तो पड़ा ही था, अब जो है 2022 में ज्यादा पड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि अब तीन तलाक कानून आ चुका है। आपको बता दें कि मऊ में जो है तीन तलाक के मुद्दे को लेकर के कोई ऐसा मतलब कोई फर्क वोटरों में देखने को नहीं मिल रहा है और ना ही कोई ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि जब तीन तलाक का मुद्दा हुआ था तो मैं भी कई लोगों से ये इस मामले को लेकर के हम जब वहां पहुंचे थे लोगों से बात करना चाहा था तो लेकिन किसी ने भी कुछ भी बोलने से इनकार दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों में जो है जो तीन तलाक को लेकर के मुद्दा है वो मुद्दा नहीं बनेगा। तो मऊ में जो लगातार मुख्तार अंसारी है वो यहाँ से जीतते आए हैं और उनके उनके लड़के अब्बास अंसारी जो है यहाँ से अब की किस्मत अपनी आजमा रहे हैं। अगर समझने की हम कोशिश करें तो